बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वीट डिश की रेसिपी। आज हम बनाएंगे दूध दुलारी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही जल्द बन जाती है और आप इसको अपने ईद के मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर दूध और ये पहले से बॉयल दूध है। अब फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और इसको गाढ़ा करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट्स हम इसको पकने देंगे। 3 छोटी सब्ज़ इलायचियाँ मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अब जब ये अच्छी तरह से इनका टेस्ट इलायचियों का दूध में शामिल हो जाएगा तो मैं इनको निकाल लूँगी। तो अब हम दूध को अच्छी तरह से पकाते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि और हमें इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने ली हैं खुशबू वाली कलर्ड सवैयाँ 1/2 कप। 1/2 कप मैंने कॉकटेल लिया है। क्रीम ली है मैंने, ये घर की मेरी क्रीम है, 1/2 कप। चमचम छोटी ली हैं, ये भी मैंने तकरीबन 250 ग्राम्स ली हैं। कंडेंस्ड मिल्क मैंने लिया है 3 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे और इसके लिए मैं 1/2 कप मिल्क अलग से यूज़ करूँगी। अब दूध में मैं 1/4 कप शुगर डाल रही हूँ। मैं इसमें 1/2 कप शुगर नहीं डाल रही क्योंकि हमारी चमचम में भी बहुत ज़्यादा चीनी शामिल होगी और कंडेंस्ड मिल्क भी ऑलरेडी स्वीट होता है तो इससे फिर ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ 1/4 कप शुगर यूज़ कर रही हूँ। दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। हम इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट्स तक बॉयल करेंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं, दूध काफ़ी हद तक हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कलर्ड सवैयाँ 1/2 कप और इनको डाल के मैं अच्छी तरह से इसको हला लूँगी ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपक ना जाएं। सवैयाँ हमारी पकना शुरू हो गई हैं। अब जो इलायचियाँ मैंने इसमें डाली थी वो अब मैंने इसे निकाल दी हैं, उनका सारा टेस्ट दूध में शामिल हो चुका है। अब हम थोड़ी थोड़ी देर बाद सवैयों को हलाते रहेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे ये लेंगी रेडी होने में। सवैयाँ हमारी पकने के करीब हैं। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी, उसको 1/2 कप मैंने दूध में मिक्स कर लिया है ताकि दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो सके, पाउडर वाला जो टेस्ट है वो फिर अच्छी तरह पकाने से नहीं आएगा। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी क्रीम, जो कि मेरी घर की भलाई है क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा दूध शामिल है तो इसलिए मैं इसे पहले ऐड कर रही हूँ। अगर आप बाज़ार की क्रीम यूज़ करेंगे तो फिर हम चूल्हे से उतार के ठंडा करेंगे जब, फिर इसमें शामिल करेंगे वो क्रीम। चूँकि ये घर की क्रीम थी इसलिए मैंने इसको अभी ऐड कर दिया। जी तो हमारी सवैयाँ तकरीबन रेडी होने के करीब हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि बिल्कुल टूटने लग जाएं। इसको थोड़ा सा हम पकने के करीब होंगी तो बंद कर देंगे क्योंकि ये पड़ी पड़ी भी फिर फूल जाती हैं। तो अब ये डन है तकरीबन। मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और थोड़ी थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि ये पतली पतली सी है क्योंकि जब मैं इसको ठंडा करूँगी तो ये खुद ही गाढ़ी हो जाएंगी। तो अब मैं इसको नॉर्मल करके फिर मैं इसको ठंडा कर लूँगी फ्रिज में। अब यहाँ मैंने ली हैं 2 कलर की जेलीज, स्ट्रॉबेरी और बनाना फ्लेवर। पैकेट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने 1/2 पैकेट को बना लिया था और इनको अब क्यूब्स के फॉर्म में कट कर लिया है। हमारी दूध लारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। अगर आप बाज़ार की क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अब आप इस स्टेप में ऐड करेंगे। और मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें कॉकटेल और इसको चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह हला लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसमें कितना गाढ़ापन आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटी चमचम
और साथ ही इसमें मैं जेली भी ऐड कर दूंगी और कुछ चमचम और जेली मैंने ऊपर डेकोरेट करने के लिए सेपरेट कर ली है। अब इनको भी अच्छी तरह से हला लेंगे आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हला के। हमारी ठंडी ठंडी दूध दुलारी बिल्कुल रेडी है। इसको बॉल में मैंने निकाल लिया है और जेली की मदद से इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ। और कुछ चमचम मैंने चांदी के वर्क में रैप करके उसके साथ मैं इसको डेकोरेट करूँगी। आप अपनी पसंद से जिस तरह चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। इसको हम अब अच्छी तरह से फ्रिज में चिल करेंगे और फिर सर्व करेंगे। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।